शोहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में। किसके कदम लाएंगे फिल्म में दम? कौन सा एक्टर बना सकता है फिल्म को हिट? क्या फिल्म हो सकती है बोरिंग? क्या लोग थक चुके हैं डॉन के इंतजार में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो दोस्तों, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है और अब लगता है कि डॉन के इंतजार देश का हर एक इंसान भी कर रहा है। कब आएगी डॉन? सबके लबों पे बस यही सवाल है। बहुत लंबा इंतजार करा रहे हैं डॉन के मेकर्स ऑडियंस को, जो हो सकती है डॉन के मेकर्स के लिए एक डिसएडवांटेज, क्योंकि किसी भी चीज का हद से ज्यादा इंतजार लोगों की दिलचस्पी कम भी कर सकती है। और अगर उस पर फिल्म की कहानी हटके ना हुई डॉन और डॉन 2 से, तो वो कर सकते हैं ऑडियंस को बोर थिएटर्स में, क्योंकि शायद फिल्म में SRK के नए एक्शन सीन्स के अलावा कुछ भी नया ना हो तो वो ऑडियंस को इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। ऐसे फिल्म में SRK के साथ सलमान का होना फिल्म को कर सकता है हिट। सलमान ला सकते हैं फिल्म में ट्विस्ट। जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में SRK ही डॉन के किरदार में और कई अच्छे स्टंट्स करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन अगर इस बार उनके साथ सलमान खान की भी एंट्री हो जाए फिल्म में, तो दोनों खान्स को एक बार फिर से स्क्रीन पर देखना ऑडियंस को बेहद मनोरंजक लगेगा। हम सभी को पता है कि जब जब दोनों खान्स ऑन स्क्रीन आए हैं तब तब फिल्म बेहद हिट गई है। जैसे करण अर्जुन, जिसमें दोनों की अदाकारी को फिल्म में लोगों ने बहुत सराहा था, तो इस फिल्म में भी डॉन के साथ के रूप में सलमान खान भी एंट्री ले सकते हैं और फिल्म को एक नया रूप दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्शन स्टंट्स मास्टर हैं। तो जब फिल्म में दो खान का तड़का लगेगा तो मेकर्स को भी दो गुना मुनाफा होगा और ऑडियंस को भी उनके सब्र का डबल मजा मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, फिल्म में सलमान खान होने चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिल्मों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।